ये 7 बड़े लक्षण हैं, जिन लक्षणों से आपके अपने जीवन से प्यार हो या व्यापार हो परमानेंटली दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। चाहे संसार हो, चाहे परिवार हो, चाहे कुछ भी हो, खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है। ये 7 बड़े लक्षण हैं, ये जान लेना आज। ये 7 वो लक्षण हैं जिन लक्षणों की वजह से तुम्हारे जीवन में लोग तुमसे नफरत करने लगते हैं। ये 7 वो लक्षण हैं जिस वजह से लोग तुम्हारा नाम खराब करने लगते हैं, तुम्हारा अपयश करने लगते हैं, तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें करने लगते हैं। सत्य मानना जो तुम नहीं हो तुम्हारे बारे में वो सब चीजें इधर उधर कहने लगते हैं। ये 7 लक्षण है वो, इन्हीं की वजह से ऐसा होता है। उनमें से पहला लक्षण, इनमें से सबसे पहला लक्षण तुम्हारा स्वयं का कान का कच्चा हो जाना। जब तुम दूसरों की बातें सुनने लग जाते हो, दूसरों की बातें समझने लग जाते हो, जब तुम्हें दूसरों की बातों में बहुत आनंद आने लगता है और उसमें कहीं ना कहीं चाहे कम ही सही थोड़ी सी सही सच्चाई नजर आने लगती है, तुम्हें मालूम है वो बात सच नहीं है या इसकी बात नहीं सुननी चाहिए, पता नहीं क्या ही कौन बोल रहा है बोल रही है, उसके बावजूद भी तुम सुन रहे हो, ये पहली गलती है 7 में से। दूसरी गलती, तुम हमेशा निगेटिव बातें करते हो। कहीं 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 तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? मेरा ऐसे ही जीवन भर ध्यान रखोगे? मेरी बात हमेशा सुनोगे? मैं बहुत विश्वास से कहूं, धोखा मत देना मुझे कभी। तुम मेरी हर बात समझोगे ना? मेरा व्यापार अभी तो ठीक चल रहा है, आगे का पता नहीं, अभी तो सब अच्छा है, तो मार्केट में बहुत सारे लोग गड़बड़ हो रहे हैं। ठीक ठीक कर रहा हूं पर कहा नहीं जा सकता। कभी कभी बड़ा डर लगता है कहीं सब खराब ना हो जाए। पैसे लगा तो दूं इसमें, डूब तो नहीं जाएंगे? हाँ, तो मुझे इतने परेशान मत किया करो भाई, ये मेरा सब बर्बाद हो जाएगा। झगड़ा करोगे ना, देखना एक दिन सब तुम ही खराब करोगे। मुझे भरोसा है, विश्वास है, तुम चलने थोड़ी दोगे ये सब चीजों को। ये दूसरी गलती है तुम्हारी, तुम वही सब बोल रहे होते हो जो तुम्हें नहीं चाहिए होता है। मेरे बच्चों, वो बोलना शुरू करो जो तुम्हें चाहिए। मेरा सब बड़ा अच्छा हो रहा है, मेरा सब ठीक ठीक चल रहा है, तभी तो कहता हूँ मेरा हर क्षण हर पल सुखमय और शिवमय हो रहा है। हाँ, ऐसा बोलो। तीसरी गलती, तुम्हारे जीवन में रिश्तों से ज्यादा कमियों को ढूंढने में तुम्हारा ध्यान है, व्यापार से ज्यादा तुम उसकी कमियां ढूंढने में लगे पड़े हो। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि चीजें कैसे ठीक करें, तुम्हें इस बात की चिंता है क्या क्या खराब है। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है क्या खास किया जा सकता है, तुम्हें इस बात की बड़ी चिंता है क्या नहीं कर पाए, काश कल हम ये कर लेते। तुम दुनिया के पहले ही महापुरुष होगे जो कल में वापस जाके ये कर पाओगे।
तुम विश्व के पहले ही महापुरुष ऐसे होगे जो वापस कल में जाके वो काम करके आ पाओगे। तो कल तो चला गया, आने वाले कल के प्रति आज ईमानदार हो जाओ। कल कल में मैं विकल हूं, कल क्यों ना आप आए, कल आए भी तो कैसे जब आप कल ना आए। वो कल कभी नहीं आता, कल कल में मैं विकल हूँ, कल क्यों ना आप आए, कल आए भी तो कैसे जब आप कल ना आए। कल वाला जब आएगा तो वो आज हो चुका था, कल नहीं बचेगा, और कल जो चला गया वो तो आएगा ही नहीं। तो साहब वर्तमान की चिंता कीजिए। चौथी गलती, चौथा बड़ा लक्षण, रिश्तों में खराब करने का जो प्रतिद्वंद्वता है दोनों तरफ से बड़ी तेज चलती है। एक दूसरे की गलतियां देते रहना, यह प्रतिद्वंद्वता करना कि कौन ज्यादा बुरा है, तुम ज्यादा बुरे हो कि हम ज्यादा बुरे हैं। एक दूसरों की कमियां बताना और एक दूसरे को नीचा दिखाना। हमारे नानी जी एक कहावत कहती थी, बोलती थी कुबरी बिना नींद ना आवे और कुबरी मूरे मनो न भावे। मतलब कोई ऐसी चीज है जिसके बगैर मुझे चैन भी नहीं है और मुझे वो चीज चाहिए भी नहीं। अब क्या करे आदमी, बोले आगे चल रहे हैं तो कहते भैया मटका रहे हैं, बोले पीछे चल रहे हैं तो कह रहे हैं यार मुंह बना रहे हैं, तो करे क्या। प्रतिद्वंद्वता, इस बात की मत करना कौन ज्यादा बुरा है, क्योंकि चाहिए तो तुम्हें वही। इस बात की प्रतिद्वंद्वता करना कि कौन ज्यादा अच्छा है, तुम बहुत अच्छे हो। जब तुम सामने वाले को कहते हो तुम बहुत अच्छे हो तो अनायास तुम्हारे बारे में कहता कि तुम बहुत अच्छे हो। ये स्वभाव है अच्छी बात कहना, उससे ही नहीं सबसे ऐसा कहना। ये तो बात रिश्तों की हो गई, संसार व्यापार और परिवार में भी यही करना। अपने डीलर्स के प्रति, अपने सप्लायर्स के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति अच्छी बातें करना। पांचवी गलती, तुम्हारे रिश्ते सबसे ज्यादा खराब होते हैं तुम्हारी अपनी वजह से। अब तुम कहोगे नहीं 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 नहीं, मेरी तो कोई गलती नहीं। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा काम, तुम्हारा परिवार सबसे ज्यादा खराब होता है तुम्हारी वजह से। ये पांचवी गलती है। तुम्हारी वजह से कैसे? तुम्हारी वजह से ऐसे कि तुम्हें ये लगता है कि सामने वाला गलत है। किसको लगता है? तुमको। आंखें किसकी? तुम्हारी। बुद्धि किसकी? तुम्हारी। विवेक किसका? तुम्हारा। सोच किसकी? तुम्हारी। अरे माफ करो ना, गलती है तो भी छोड़ो ना, गलती है तो भी आगे बढ़ो, बड़े बनो, सहज हो जाओ और ईमानदारी से काम करो, सब ठीक कर लोगे अगर ऐसा कर पाए तो। छठी गलती, मत कर इतना। छठी गलती क्या क्या है गुनगुनाना? मत कर इतना क्या? हाँ, मत कर इतना गुमान, वही जो भी गुरूर और गुमान। किसी भी चीज पर बहुत गुमान करना, अभिमान करना, स्वाभिमान अच्छी बात है, गुमान बुरी बात है। गुमान किसी भी बात का मत करना। गुमान किस बात का? पैसों का, रुपयों का, कद का, काठी का, रूप का, लावड़ का, सुंदरता का, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का। तुम जो भी हो उस बात का अभिमान मत करना। रिश्तों में अभिमान नहीं चलता, व्यापार में अभिमान नहीं चलता, परिवार में अभिमान नहीं चलता, संबंधों में अभिमान नहीं चलता। अभिमान, गुरूर खत्म कर दीजिए, अच्छी बात नहीं है।
रावण में यही एक चीज तो खराब थी, और तो क्या ही गड़बड़ था उसके अंदर, उसी ने तो खा लिया उसको। और एक बात पता है, बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता अभिमान हम कर कहां रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान पाना कि अभिमान तुम कहां करते हो। 99.9% लोग मेरे पास आकर के ये कहते हैं, मैंने तो कभी कोई गलती नहीं करी, यही कर रहे हैं सर, हम तो अच्छा ही करते हैं, यही लड़ते हैं हमसे, हम तो कुछ कहते ही नहीं, यही झगड़ा कर रहे हैं। यही कैसे झगड़ा कर सकते हैं अकेले? झगड़ा दो लोग करें तो झगड़ा होता है, एक चिल्लाए दूसरा सुने तो उसको कथा कहते हैं, कह रहा है एक सुन रहा है, डांटना कहते हैं उसे। अभिमान मत करना, गुरूर मत करना किसी बात का, हमेशा अपनी गलती बताना, नहीं होने पे भी तुम अपने को, आपको जब गलत कहते हो तो तुम बड़े हो जाते हो, तुम श्रेष्ठ हो जाते हो, तुम आचरणी बन जाते हो, और तुमसे बड़ा कोई नहीं होता। सत्य मानना, तुम्हें भगवत्ता आ जाती है, तुम्हें ईश्वरत्व आ जाता है, और तुम्हें शिवत्व आ जाता है ऐसा करने से। सातवीं और आखिरी गलती, जो सातवें नंबर पे सबसे आखिरी गलती तुम रिश्तों में, संबंधों में, प्यार में, परिवार में सबसे ज्यादा करते हो, मालूम है क्या? तुम वही सब कुछ करते हो जो तुमको नहीं चाहिए। ध्यान से समझना, तुम क्या करते हो? तुम वही सब कुछ करते हो जो अगर पलट कर तुमको मिले तो तुम्हें कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम वही सब कर रहे होते। अब ये थोड़ा गंभीर बात है, ये थोड़ा ऐसी भूमिका है, ऐसा दर्शन है जिसे तुम्हें समझने के लिए बहुत गहरा उतरना पड़ेगा। तुम वही सब कुछ कर रहे होते हो जो तुमको नहीं चाहिए, अगर तुम्हारे साथ ऐसी ही चीजें की जाए तो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं हमेशा कहता हूं, रात्रि में 9 बजे के बाद बहुत आवश्यक नहीं हो तो विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ बातचीत नहीं करो। तुम डॉक्टर हो कि कोई मर रहा है, तुम्हें करना चाहिए। तुम कोई ऐसा काम करते हो, तुम इंजीनियर हो, तुम्हारी वजह से कोई बड़ी कंपनी का काम रुक जाएगा और उसका कोई सॉफ्टवेयर बंद हो गया है, तुम्हें बात करनी चाहिए। तुम ऐसा कोई काम कर रहे हो जो सुबह तक वेट नहीं करना कर सकता तो तुम्हें जरूर बात करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई सुबह तक वेट कर सकता है तो रात्रि 9 बजे के बाद किसी से बात मत करिए, अपने घर परिवार को समय दीजिए और हाथ पैर धोकर सोइए। विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ बहुत अंतरंग बातें कर लेना एकदम अच्छी बात नहीं हो, चाहे कोई भी हो। जब तुम ये कहते हो मैं ठीक हूं, सामने से तो गड़बड़ होता है, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूं या नहीं कर रहा, कुछ कर रही हूं, सब तो सामने वाला कर रहा था। तुम साक्षी तो थे ना, तुम सुन तो रहे थे, तुम सुनकर उसे बढ़ावा दे रहे हो कि हाँ जी कहते रहो, तुम ठीक कह रहे हो, तुम बिना हां किए भी हां कर रहे हो, ये बात ध्यान रखना। कुल मिला के तुम वो सब कुछ वही कर रहे हो जो तुम्हें ठीक नहीं लगता, तुम्हारे साथ वही होगा। ये कार्मिक अकाउंट का 7वां लक्षण है। अगर तुम्हारा कार्मिक अकाउंट ठीक होगा, कर्म से तुम ठीक होगे, तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, न प्यार में, न व्यापार में, न संसार में, न परिवार में। अगर तुम ये 7ों के 7ों लक्षणों में ध्यान देते हो तो तुम्हें कहना पड़ेगा, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है।